सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग वायरल थंबनेल कैसे बना सकें। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे थंबनेल में कैसे डिजाइन करके हम लोग बना रहे हैं थंबनेल, तो इसी टॉपिक पे आज चर्चा होने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जरूरी लगेगा एक बैकग्राउंड को, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। सो दोस्तों, इस तरह से हम लोग गूगल में जाएंगे, सबसे पहले ओपन करना है। सो दोस्तों, हम लोग को गूगल ओपन कर लेना है, तो इस तरह से हम लोग गूगल ओपन करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इधर से एक सर्च करना है, स्टेज करके आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। सो दोस्तों, हम लोग को जाना है इमेज में जा करके कुछ इस तरह से स्टेज का जो है आप लोग का पिक्स जो है सेव कर लेना है। सो दोस्तों, इस तरह से देखिए आप लोग को जो है यूट्यूब साइज में जो होता है साइज, उसी को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं एक डाउनलोड कर ले रहा हूं। सो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद देखो दोस्तों, पिक्सल लैब ओपन होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इधर से क्या करना है, थ्री डॉट में जा करके इमेज साइज पे जा करके हम लोग को कस्टम में जा करके फिर से यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्या पहले डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है, इधर से प्लस आइकन पे जाना है। उसके बाद जो हम लोग स्टेज हम लोग सेव किए हुए हैं, तो उसको इधर से हम लोग एल्बम में जा करके उसको ओपन कर लेंगे। सो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। इस तरह से आने के बाद दोस्तों, हम लोग इसका जो है साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे, इसे इस तरह से कुछ हम लोग बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों, हम लोग इस पे क्लिक करके इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों, हम लोग को किस टॉपिक में जो है थंबनेल बनाया है, तो मैं एक जो है पिक्सल लैब का ट्यूटोरियल के बारे में बना रहा हूँ, तो प्लस आइकन पे जा करके फ्रॉम गैलरी में जा करके हम लोग पिक्सल लैब का एक लोगो लेंगे दोस्तों। लोगो लेने के बाद इधर से एल्बम में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इधर से अपना जो है पिक्सल लैब का लोगो सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसका या काइन मास्टर का ही कर ले हम लोग, तो काइन मास्टर का लोगो मिल चुका है दोस्तों, तो इस तरह से मैं काइन मास्टर को ओके कर लूंगा। सो दोस्तों, काइन मास्टर ओके करने के बाद हम लोग इसे इधर ला करके रख देंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसे 3D में करना है, तो हम लोग इधर आ करके जो है हम लोग अब क्या करेंगे, और इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग को नीचे स्क्रॉल करता हुआ आना पड़ेगा, उसको 3D शेप पे जा करके इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद ओब्लिक्यू में हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हो गया, तो इसका डिप जो है थोड़ा कम हम लोग कर लेंगे, डिप कम करके उसके बाद कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो कलर पे चेंज कर दिए, ना वरना आप लोग ऑटो पे ही रखिएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप लोग इसे जो है इधर उधर रोटेट कर सकते हैं इधर से। उसके बाद इसे मैं 181 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। उसके बाद अब हम लोग को रोटेशन जो है जेड और 2 डिग्री में कर देना है। उसके बाद लाइट एंगल जो है हम लोग को इधर 160 डिग्री में ला करके कर देना है। सो दोस्तों, इतना काम करने के बाद अब हम लोग को इधर से इतना ही करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब 3D रोटेशन में जा करके हम लोग इसको जो है पहले, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इतना ही काम इधर से करना है। अब साइज आप लोग इधर से मिला सकते हैं, तो साइज मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग को इधर से जो ये कट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करें, स्ट्रेप पे आ करके इसे भी इनेबल कर देंगे, तो यह नहीं कटेगा। सो दोस्तों, अब इसका जो है कलर हम लोग को इस तरह से चेंज कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है दोस्तों। अब देखिए कुछ इस तरह से बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब 3D शेप में फिर से जाएंगे। अब कुछ इसमें जो है जो मिस्टेक आ रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर से ही क्लियर कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से कुछ इस तरह से मिला लेना है हम लोग को। अब हम लोग को ओके कर देना है दोस्तों। अब हम लोग को फिर प्लस आइकन पे आ करके अब हम लोग को ए पे क्लिक करना है, उसके बाद
प्लस आइकन पे आकर के इधर क्या लिखना है, वायरल एडिटिंग लिखना है। तो इधर मैं वायरल एडिटिंग लिख दे रहा हूँ, वायरल एडिटिंग, उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद हम लोग को इसका जो है फंट बढ़ा देना है। अब फंट हम लोग को चेंज करना है इसका दोस्तों, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, फंट पे आएंगे, फंट, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इधर से एक हम लोग फंट ओके कर लेंगे। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग का फंट जो है ओके हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब काइन मास्टर वाले लोगो पे क्लिक करके उसके बाद इस पे क्लिक करके इसे हम लोग फ्रंट पे कर लेंगे। उसके बाद इसे जो है ऊपर और थोड़ा कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ए पे फिर क्लिक करके हम लोग को अब जो है अपना थोड़ा अच्छी तरीका से टेक्स्ट को डिजाइन करना है। तो अब हम लोग को कलर यही रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रोक पे आकर के इसे आउटर लाइन को ओके कर देंगे, ऑन कर देंगे। उसके बाद इस कलर को चूज कर लेंगे हम लोग, उसके बाद इसे भी ओके कर लेंगे। सो दोस्तों इतना काम करने के बाद शेडो में आएंगे, शेडो में भी इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसका कलर जो है रेड करके, और उसके बाद ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। ब्लर भी जो है हम लोग 4 पे ला करके करके, उसके बाद आउटर ग्लो जो होता है इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ऑफसेट एक्स एक्सिस में हम लोग इसे थोड़ा और कम कर देंगे। इसे हम लोग को कर देना है 5। उसके बाद इसको भी वाई एक्सिस को भी हम लोग 4 कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा यह भी डिजाइन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसे छोटा कर देंगे दोस्तों, इस तरह से अब इधर रख देंगे। सो दोस्तों इस तरह से करने के बाद उसके बाद प्लस आइकन पे फिर से इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, फिर से हम लोग इधर प्लस आइकन पे आ करके उसके बाद हम लोग को एक जो है गैलरी एल्बम में जा करके जो है जो एक एरो लेना है। तो एरो आप लोग उधर से ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, अपने गूगल से। सो दोस्तों इस तरह से आएगा। उसके बाद अब हम लोग को क्या कर देना है, इसका भी कलर जो है हम लोग इधर से आ करके व्हाइट कर देना है। तो कलर में जाएंगे, इनेबल कर देंगे, उसके बाद इधर से हम लोग व्हाइट कर देंगे। व्हाइट करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, इसे रोटेट कर लेना है। तो इस तरह से रोटेट करके इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अब थोड़ा और छोटा करके इसे इस पे ही लगा देंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद अब आप लोग यदि इस पे कैप लगाना चाहते हैं तो प्लस आइकन पे जा करके आप लोग PNG कैप करके सर्च करेंगे गूगल में तो पा जाएंगे। तो कैप भी लगा सकते हैं आप लोग दोस्तों इस तरह से। एल्बम में आकर के मैं एक डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो आप लोग इधर से कैप भी लगा सकते हैं। तो आप लोग कोई भी कैप इधर से एक डाउनलोड कर लेना है हम लोग गूगल से, उसके बाद इधर से कैप भी लगा देना है। किंग कैप करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से देखिए आप लोग एक वायरल जो है थंबनेल आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैप भी एक लगा देंगे। सो दोस्तों इस तरह से देखिए आप लोग का थंबनेल जो है वायरल थंबनेल स्टेज वाला आप लोग का रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग को सेव करने के लिए अब इस पे क्लिक करके आप लोग सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि पिक्सेल लैब में ही सेव होता है। उसके बाद सेव एज इमेज करके आप लोग अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों कस्टम में जा करके आप लोग वेरी हाई पे करके HD में सेव कर सकते हैं। तो सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है तो हमारा जो है सेव हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जो कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो गाइस धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।